और भाई लोग क्या हाल चाल यार। सो गाइस यार पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मेरे को फोटो भी सेंड किया है कि उनका जो अरेना और टीम डेथ मैच है, मतलब उसका मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि भाई लॉबी में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से वो लोग वेट कर रहे हैं और उनका यार अरेना और टीम डेथ मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग यार पूछ रहे थे मेरे से कि भाई इसका कोई बताओ सोल्यूशन और कुछ इसका मतलब कि कोई बताओ ट्रिक वगैरह। तो आज के भाई इस वाले वीडियो में आपको यही बताऊँगा भाई एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है और आपका मैच स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो काफी कमाल का होगा तो वीडियो को अंत पास करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, लेट्स गो। तो यार अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में जो आपका अरेना और टीम डेथ मैच है स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है ना। तो देखिए यार इस समय जो हमारे पबजी वाले मिशंस आ रहे हैं किल 2 एनिमी कार 98 एनी मोड, किल 3 एनिमी एकेएम एनी मोड, किल 3 एनिमी योमपी 45 एनी मोड। तो यार ये सब जो मिशंस है भाई, जो मतलब कि ये सब जो मिशंस आ रहे हैं भाई, ये बंदे क्लासिक मोड में नहीं अरेना और टीम डेथ मैच में पूरा कर रहे हैं ना। मतलब कि भाई यार इस समय ये ट्रेंड आ गया है कि सब लोग यार अपना मिशन अरेना में पूरा कर रहे हैं, टीडीएम पूरा कर रहे हैं, क्लासिक मोड में अपना कोई मिशन पूरा ही नहीं कर रहा है। तो यार इसीलिए दोस्तों यार एक साथ बहुत ही बंदे मतलब खेल रहे हैं ये अरेना और टीम डेथ मैच। मतलब कि अगर आप मैच स्टार्ट करते हैं तो ऊपर आपका आएगा वो नोटिफिकेशन कि एक साथ 10,000 20,000 30,000 बंदे ने मैच स्टार्ट किया है। तो इसीलिए आपका थोड़ा बहुत मतलब कि प्रॉब्लम होता है मैच स्टार्ट मतलब कि होने में। और जैसा कि भाई आप लोग को पता हो भाई एशिया सर्वर साइज सबसे ज़्यादा बिजी है, मतलब यार सबसे ज़्यादा बंदे एशिया सर्वर में खेलते हैं। तो अगर आप एशिया सर्वर में मैच स्टार्ट करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत टाइम मतलब कि लगेगा, मेरे को पता है ना। तो यार एक्चुअली भाई अभी तक तो इसका प्रॉपर कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं आया, बट अगर मैं बताता हूँ कुछ आपको ट्रिक, मतलब कुछ ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए यार अगर आप सोलो मतलब कि अगर आप सोलो मैच स्टार्ट करते हैं तो आपका मैच जल्दी स्टार्ट होगा। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर सोलो मैच स्टार्ट कर दिया हूँ तो ये दोस्तों मेरा मैच बहुत ही तेज स्टार्ट हो गया है। बट अगर आप स्क्वाड के साथ खेलते हैं, मतलब अगर आपका पूरा फुल स्क्वाड है तो आप लगाते हैं अरेना, तो भाई दोस्तों शायद आपका मैच स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ यार अगर आपको मतलब कि बस प्रेस्टी करना है, बस आपको क्लासिक मैच से मतलब कि हम लोग खेलते हैं क्लासिक मैच के एक मैच पहले अरेना में हम लोग आते हैं जस्ट प्रेस्टी करने के लिए, तो अगर आपको बस एक दो मैच खेलना है तो आप गाइज सर्वर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एशिया सर्वर में खेलते हैं तो आप गाइज मतलब कि यूरोप और मिडिल ईस्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करते हैं तो आपका जो है मैच बहुत स्टार्ट हो जाएगा है ना। तो अभी तो गाइज इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आया, बट मैं बताता हूँ कि अगर आपको मतलब कि बस एक दो मैच खेलना है तो आप मतलब कि सर्वर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको यार ज़्यादा मैच खेलना है तो भाई यार शायद हमारे पबजी वालों में कोई अपडेट आए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई सही सलूशन नहीं आया है। मतलब कि जो लोग बंदे बोल रहे हैं कि ये वेकर वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ सलूशन नहीं है अभी तक, इसका कोई भी सलूशन नहीं आया। बस इसका यही सलूशन है कि आपको मतलब कि सर्वर चेंज करते हैं तो आपका मैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और सोलो खेलते हैं तो अगर मतलब कि सोलो मैच स्टार्ट करते हैं तो आप जल्दी आपका मैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यार ये था आज की कमाल की वीडियो में, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक मार देना एंड बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय गाइस, बाय बाय।